अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, लर्निंग विद स्माइल के साथ मैं हूँ मोहम्मद बिनान बशीर। पैराडाव फोटोशॉप CS6 कंप्लीट उर्दू कोर्स ट्यूटोरियल नंबर 12 के साथ आज चलते हैं हमारे ट्यूटोरियल की तरफ, जिसमें हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले टूल को जिसका नेम है डज टूल, बर्न टूल। डार्क टूल बेसिकली यूज़ होता है कि किसी पिक्चर वगैरह के हमारे किसी जगह पर डार्कनेस वगैरह है ना, उसको ब्राइटनेस करने के लिए। और ये जो है बर्न टूल, ये हमारी ब्लैक वगैरह करने के लिए पिक्चर इस्तेमाल होता है। इसलिए हम चलते हैं सबसे पहले कि पिक्चर वगैरह ओपन कर लेते हैं यहीं से। इस पिक्चर को हम चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक पिक्चर आ गई है। अब मैं चाहता हूँ ये जो इसके बाल वगैरह है ना, इनके बालों पर थोड़ी सी डार्कनेस होनी चाहिए। डार्कनेस के लिए टूल यूज़ कर रहे हैं बर्न टूल। जैसे ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा ये देखिए ब्लैक कर रहा है बाल, उसके कलर उसको ब्लैक कर। इस तरह से हम आंखों के दरमियान में आंखों को थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक करना चाहते हैं, जिस तरह से मेकअप भी करते हैं। तो ये भी इस पर हम क्लिक करेंगे, ये तो ब्लैक कर देंगे इसको। जो बरबट्टों को करना चाहते हैं तो उनको भी आई ब्रोज भी कहते हैं। ये देखते हैं इस तरह से हम चाहते हैं कि कोई जगह थी मसला नहीं है। देखो यहाँ पर हम थोड़े से ब्लैक इस दिख रहे चाहते हैं। ये देखो, इसके लिए आपको ये बताना है ना कि ये देखिए ब्लैक कर रहा है। इसी तरह से हम अब यूज़ जो टूल यूज़ करेंगे उसका नेम है डज टूल। डज टूल बेसिकली ये यूज़ मतलब ये यहाँ पर ब्लैकनेस है ना, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए वाइटनेस आ रही है। ये देखिए पहले किस तरह से था, अब किस तरह से, अब आप ये देखें यहाँ पर ये किस तरह ब्लैकनेस है ना। अब ये देखें हम यहाँ पर वाइटनेस देख रहे हैं। ये देखें चेहरे वगैरह पर थोड़ी बहुत गाड़ी सेट करने के लिए, चेहरे को चाहिए निखारने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मुझे देखिए जहाँ जहाँ पर हम क्लिक करेंगे वो ज़्यादा से गाड़ी सेट हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप उसका चेहरा पहले के नस्बत कैसा है। बाकी फ़र्क के लिए आप इसके बाजू देख सकते हैं और इसके चेहरे को देख सकते हैं। इसलिए ये देखिए इस तरह से हम कोई और पिक्चर चूज़ कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ से पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास पिक्चर मेरी एक, मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी यहाँ पर वाइडनेस होनी चाहिए। तो वाइडनेस के लिए मैं टूल को जज को यूज़ करूँगा। ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ना मेरे मित्र देखिए चेहरा जो है दोनों स्टार्ट हो गया है। ये देखिए बालों पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए ब्लैक हो रहे हैं बाल मेरे। बेसिकली ये इसलिए यूज़ होता है। और ये जो इसके साथ ये जो टूल है स्ट्रॉन्ग टूल, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हम नेक्स्ट को कर लेते हैं। ये है जो टेक्स्ट टूल, इसको हम चूज़ आज इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे पेन टूल को नेक्स्ट में करेंगे। ये देखिए अब मैं मतलब यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लिया, मैं लिख कर यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ लिखता हूँ मैं लर्निंग विद स्माइल, लर्निंग विद स्माइल, इस पर क्लिक किया। और यहाँ से मैं इसका साइज़ वगैरह जो भी जितना भी करना चाहता हूँ, मैंने 48 कर दिया। यहाँ से मैं इसका कलर कोई और करना चाहता था, ब्लैक कर दिया मैंने यहाँ से। देखिए मैं चाहता था कि स्टाइल ये ना हो कि और, तो यहाँ से मैं कोई भी अच्छा सा स्टाइल जो मुझे लगा मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ। मतलब मैंने इस मज को कर दिया, ये इस तरह से आ गया। अब हम इसको स्टोर पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर कंट्रोल टी करेंगे। ये देख सकते कि बड़ा हो गया। ये देखिए इसका हम अगर चाहें तो ये भी लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अदनान, एडियन अदनान मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता था कि इसका साइज़ मैं काफ़ी बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए 72 साइज़ है,
मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है ना तो थोड़े बहुत डिजाइन वगैरह इसमें आए, यहाँ से इसका स्टाइल और चेंज कर देते हैं जो भी लगना है। उसके सैंपल कर दिया मैंने, ये बड़ा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो आउटलाइन है उसका वो भी कलर वगैरह, उसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर स्ट्रोक देंगे तो इसके इर्द गिर्द जो जगह है ना वो देखें, ये देखिए ज़्यादा हार्ड हो गया। मैं यहाँ पर चाहता हूँ क्योंकि और कलर देना चाहना, उसने ये कर दिया, सबक देना था सबक दे दिया मैंने। इसी तरह से मैं चाहता था कि इसमें जो कलर है ना अंदर वाला वो चेंज हो जाए, या मैं कलर पर क्लिक करूँगा, यहाँ से जो कलर मैंने चूज़ करना है वो मैं लगा दूँगा। वही देखो वहाँ पर हो गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कलर ना हो, कलर का कम्बिनेशन हो यानी ग्रेडियंट हो, उस पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं चूज़ कर लूँगा जो भी करना है। ये देखो ये स्टोर पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए आ रहा है। उसके बाद अगर मैं चाहता थोड़ा सा इसमें चेंजिंग वगैरह है तो ये देखिए यहाँ से चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, उसकी वो भी कर लेंगे। अगर मैं पैटर्न लगाना चाहता था इसके लिए तो पैटर्न पर क्लिक करूँगा, इसको हम चेक कर लेंगे, ये देखिए ये पैटर्न वगैरह आ जाएगा। जो चीज़ भी गर्ज हम इसको लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसका शेडो वगैरह देना चाहते हैं, मतलब ये देख इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ से बढ़ा देते हैं, ये देखिए शेडो अंदर आ रहा है इस तरह से, ये देखिए शेडो वगैरह उसको बढ़ रहा है, ये देखिए ये टेक्सचर वगैरह है, ये भी इसमें कोई थोड़ी बहुत चिलिंग वगैरह का भी होता है। ये आउटर ग्लो है, ड्रॉपर ग्लो, हम इनमें से जिसको भी चाहेंगे जो इसका फिर, ये देखिए ये ग्लो में आ रहा है, ये देखिए हम जो भी कर जिसमें यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आ रहा है वर्टिकल, वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब मैंने ये नेम लिखा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अदनान ADNAN, ये इंग्लिश वगैरह लिखने तो उसके लिए हम ये देखेंगे चूज़ करेंगे पेन टूल और ये पाथ टूल या डेप्थ सिलेक्शन टूल हम इनको यूज़ करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नेम है लर्निंग विद स्माइल। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ लिंक बनाए रखिए, और नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।